अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मैं मौजूद हूँ अपने गांव में। यहाँ पे एक शादी है, ईद के बाद चले गए थे हम लोग पिंडी, तो अभी शादी है। डॉक्टर इरफान साहब भी शॉर्ट लीव लेके आप पहुँचे हैं, क्योंकि अभी फ्री खाना भी खाना है हम लोगों ने। तो शादी पे जो है ना, यहाँ पे क्योंकि अभी तो गर्मी है तो दुनिया कैसी होती है, ऐसे फ्री का राउंड मार दें। जब सब लोगों को भूख लग जाती है तो फिर सब पहुँच जाते हैं खाने पर। और ये हमारे एक और कज़न है, ये मुजाहिद थे पहले, अभी थोड़ा सा जो है ना मसला हो गया, बीमार है। ये एक और जी हाजी साहब है, मौसम साहब। मज़ा आ रहा है शादी पे, गर्मी भी मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा। और ये पहले बहुत अच्छा था ये बंदा, अभी थोड़ा सा इसका जो है ना ये ऊपर का पोर्शन हिल चुका है। अच्छा ठीक है जी। एक और ये दूल्हा था पहले, इधर आओ निकिया। ये जी काशिफ साहब है जी, ये भी पहले बड़ा सियाणा होना जी। ठीक है, अमजद साहब के अभी बाल हो गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत शादी से। सब्सक्राइब करना है, क्लास वो करना है, शादी का इवेंट दिखाएंगे आपको थोड़ा सा कि किस तरह यहाँ पे खाना वगैरह खिलाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना चैनल सब्सक्राइब करना है सबसे पहले। जो है ना ये भाई साहब फ्री के जो है ना आए हुए हैं, आसिफ साहब भी रेडी है, लोगों ने सेहरे उठाए हुए हैं पैसों वाले। ये नोटों वाले सेहरे होते हैं, और जब दूल्हा रेडी हो जाता है तो उसको पहनाते हैं। और ये आसिफ साहब इंशाल्लाह पता नहीं किसका सेहरा उठा के उसे पहना देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा राउंड मारेंगे, दुनिया भूखी हो जाएगी तो फिर खाना खिलाएंगे। भाई साहब कितना सारा चक्रा लगाना है? हाँ थोड़ा शार्ट लगाना, गर्मी बहुत है। ये तारिक भाई हैं अपने, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है, कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद फिर वापस इंशाल्लाह। दूल्हा टकाना झूले भी आपको मैं दिखाता हूँ कि सेहरे जो है ना किस तरह दूल्हे नाल एक एक कार के पावो फेड़े। आसिफ जब मैं पहनूं तो तुम बड़ी गर्मी है यार, कोई 45 टेम्परेचर चल रहा है मेरे ख्याल है। ठीक है, ये जी हमारा बहुत ही प्यारा बचपन का दोस्त है, तो हर किसी को दुआ देता है खुश रहो, खुश रहो। थोड़ा सा मलंग भी है ना। हाँ ठीक है, हाँ हर इमरान साहब मेरे वालिद साहब हैं, चलो आना पड़ा। डॉक्टर इरफान, हम लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है गर्मी के, तो पीछे खाना शुरू हो चुके थे खाइए। अच्छा मुझे पता नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा मैं भी अच्छा लगूँगा, इसलिए इनसे मैंने 5 मिनट के लिए उधार लिया है ना। और इसका जो है ना ये मेरे को चार्ज करेंगे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अपने छुटके भाई हैं
डॉक्टर इरफान साहब और डॉक्टरों की फीसें आपको पता है बहुत ज़्यादा है आजकल। रोटी का अरेंजमेंट आधे हम लोग अभी शादी से फ्री होके वापस जा रहे हैं पेंडी और मौजूद हैं सी पैक पे। और यहाँ पे एक जो है ना ये बड़ा बेहतरीन किस्म का ढाबा है, छपरे के अंदर बना हुआ है, बड़ा नेचुरल किस्म का। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि चाय मिलती है बड़ी बेहतरीन और साथ में पकोड़े। तो अभी जाके जो है ना इसकी चाय टेस्ट करते हैं और फिर पकोड़े खाते हैं, चलें फिर। जी जी जी, इनके पास जी मिट्टी के बर्तन भी हैं और प्यालियाँ भी हैं और जी पकोड़े भी हो रहे हैं। चाय किससे बनानी है जी? कोयले के चाय फिर से बना। भाई वाह वाह जी वाह, मस्त होटल। होटल ना ना की है जी थोड़े ना फजलो रमान होटल, इलाका भी चाचे फजलो रमान नहीं प्याला होटल। अच्छा अच्छा, फजलो रमान प्याला होटल। फजलो रमान वो सियासत वाला नहीं है, दूसरे चाचे ने ना फजलो रमान। ठीक है जी, ये तक बेहतरीन रफी भाई, मज़ा आ रहा है जी। वाह जी वाह, ओपन एयर सिस्टम। ये देखो जी होटल, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। पिंडी 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 पहुंचते ही मौसम कैसा जबरदस्त हो गया है जी। मजा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है रफी भाई। हाँ हाँ, हम जब साहब